यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। एक ऐसा मुद्दा जो 1981 से दो राज्यों की लड़ाई का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चार बार फैसला भी दिया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदे के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। जी हां, एसवाईएल जो हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है, और अब इस मुद्दे को लेकर भी इनेलो ने जेल भरो आंदोलन किया। और कितना कारगर रहेगा इनेलो का ये जेल भरो आंदोलन, इस रिपोर्ट में देखिए। एसवाईएल दशकों से वोट देती आ रही है। पानी लाने के कई हिमायती कई बार सामने आए, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। वादा चुनावी वादा बनता रहा। एसवाईएल पर सवार कई सरकारें भी बनी, लेकिन हरियाणा और खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए एसवाईएल का पानी सिर्फ कागजी संधि रहा। एक बार फिर से चुनाव करीब है और एक बार फिर से एसवाईएल का जिन जगाया गया है। इनेलो ने पहले नहर खोदी, अब जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया गया। भिवानी से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है और इनेलो बीएसपी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। एसवाईएल की जहाँ बात करते हैं, अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा शत्रु जमुना लिंक के निर्माण का होगा तो भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र का होगा। और आज जो लड़ाई चार दशक से इंडियन नेशनल लोकदल लेकर लड़ रही थी, आज कहीं ना कहीं उस लड़ाई को एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। जिस प्रकार से गूंगी बहरी खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने निरंतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं उठाई, इसके विरुद्ध में हरियाणा प्रदेश का किसान आज मैदान में उतरा। और मैं तो आपको एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, ये शुरुआत। और अगर इस प्रकार से सरकार गूंगी बहरी बनकर रहेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से जेल भरने का काम इंडियन नेशनल। इनेलो विपक्षी पार्टी है, ये उसका धर्म बनता है कि वो मुद्दों को उठाए और अगर वो उठाते हैं तो हमें उसका कोई इतराज़ नहीं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि एसवाईएल के काम में देरी सिर्फ इनेलो के कारण हुई है। जहां तक एसवाईएल का सवाल है, आज हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि एसवाईएल का जो विलम्ब हुआ है, अब तक जो हरियाणा को इतना पानी नहीं मिला, उसके लिए पूर्ण रूप से इनेलो के नेतृत्व जिम्मेवार है। और उस समय ये भारतीय जनता पार्टी भी इनकी साझेदार थी और आज भी ये मिली भगत है, नहीं तो कोई सवाल नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और वहाँ गृह मंत्री के यहाँ सब वकीलों से बातचीत हो गई, वहाँ पूछा गया कि कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत है क्या, उन्होंने कहा नहीं, जरूरत कोई नहीं है, फाइनलिटी कर चुका, अपनी तरफ से जो है इनका सॉलिसिटर जनरल एप्लीकेशन दे देते हैं कि दोनों स्टेट बातचीत से निकलने वाली, बातचीत की कहाँ गुंजाइश रहेगी। वहाँ भाजपा साथी थी पंजाब में जब एसवाईएल हटवाने का काम किया, नहर हटवाने वाली सरकारें हैं भाई, नहर खोदने वाली सरकारें नहीं। बहरहाल एक बार फिर से एसवाईएल पर सियासी बवाल देखने को मिला है, एक बार फिर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नहर निर्माण की बातें कह चुका है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हैं। अब सड़कों पर आने या गिरफ्तारी देने से नहर में पानी आएगा या नहीं, या फिर वोट बैंक का खेल ही खेला जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर अभी तक के लिए भिवानी से सुमित कुमार और चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट।